हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपने एम्प्लॉयर या अपनी कंपनी के खिलाफ जो है लेबर कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं या उनके खिलाफ कंप्लेन दायर कर सकते हैं। आज मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। मेरा ये वीडियो बनाने का कारण यही था कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अगर उनके साथ कंपनियां गलत करती हैं तो वो कहाँ जाएं। तो इसी के रिगार्डिंग जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो बस आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा, जानने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लेबर कोर्ट है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत बनाया गया था, और इसमें जो है जितने भी आप लोगों के इशू हैं, जो भी कंपनी में आपके साथ घटनाएं घटती हैं, चाहे हरेसमेंट है चाहे जो भी है, उसके बारे में अभी स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। उनके खिलाफ जो है वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कंप्लेन जो है जेन्युइन है और रीजनेबल है, तो आप लेबर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो उसके खिलाफ जो है लेबर कोर्ट में एक्शन लिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली स्लाइड में मैंने यही बताया है, यू विल हैव टू फाइल अ कंप्लेन टू अ लेबर कमिश्नर ऑफिस रिगार्डिंग द अब्यूज यू वे फेसिंग एंड अब्यूज आर लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको करना है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है कंपनी में, तो लेबर कमिश्नर ऑफिस जो है आपकी सिटी में होगा, वहाँ आप जाएं और उसके रिगार्डिंग जो है शिकायत दर्ज कराएं। और जो अब्यूजेज है, नंबर ऑफ अब्यूजेज जो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, वो ये है। सबसे पहला जो है, सैलरी नहीं देना आपको। ठीक, आपसे काम करवा लिया गया और अच्छे से काम आपने किया, और उसके बाद जो है आपको सैलरी नहीं दी और आपको निकाल दिया, तो ये सबसे पहला कारण है, हो सकता है कि आप डिससेटिस्फाइड हो। दूसरा है, नॉट प्रोवाइडिंग मिनिमम वेजेस सेट बाय द गवर्नमेंट। अगर आप वर्कमैन हैं और आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, और एक गवर्नमेंट के द्वारा जो है बनाया मिनिमम वेज रूल होता है, अगर वो मिनिमम वेज आपको नहीं दे रहा है और आपको पता लगता है, तो उसके खिलाफ भी जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो है, नॉट प्रोवाइडिंग ओवर टाइम पे। आपसे ओवर टाइम करवाया जा रहा है लेकिन आपको ओवर टाइम पे नहीं दिया जा रहा है, इसके खिलाफ भी जो है आप कंप्लेन दायर कर सकते हैं। अगला है, नॉट प्रोवाइडिंग प्रमोशन या नॉट गिविंग प्रमोशन एज पर द कंपनी पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी है प्रमोशन देने की, लेकिन आपको जो है एक गिवन टाइम हो गया है, उसके बाद भी जो है आपको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, उसके खिलाफ भी जो है आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। फिर अगर आपको बोनस नहीं मिल रहा है और आप बोनस के हकदार हैं, फिर भी आपको नहीं दिया जा रहा, उसको डिले किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग भी आप लोग जो है कंप्लेन कर सकते हैं। फिर आपको अगर ग्रेजुटी के लिए भी आप हकदार हैं और आपको ग्रेजुटी भी नहीं दी गई है, और आप फिर भी धक्के खा रहे हैं कि ग्रेजुटी कंपनी दे दे लेकिन फिर भी नहीं दे रही है, उसके खिलाफ भी आप लोग जो है केस फाइल कर सकते हैं। फिर टर्मिनेशन विदाउट नोटिस, किसी भी कंपनी में अगर आपको निकाला जाता है तो नोटिस पीरियड दे के फिर रिलीव किया जाता है आपको। और अगर आपको टर्मिनेट किया गया किसी कंपनी से और आपको लगता है कि किसी बिना किसी कारण के मुझे टर्मिनेट किया गया है, कोई कारण था नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोग प्रॉपर कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपको कंपनी निकालती है तो उनसे जरूर टर्मिनेशन लेटर ले ले, ताकि आप लोगों के पास एक प्रूफ रहेगा। जब आप लेबर कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेन करने जाएंगे तो आपके पास एक रिटर्न प्रूफ रहेगा कि ये चीजें हैं जिसके कारण से मुझे निकाला गया है। और वहां पे जो है एम्प्लॉयर जो है बचने की बहुत सारी कोशिश करेंगे, तो इसलिए आपके पास रिटर्न प्रूफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी हैं कुछ चीजें, मतलब ऐसी ये कुछ चीजें मैंने लिस्ट डाउन की हैं, ऐसी ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंपनी में हो जाती हैं। हैरेसमेंट से रिलेटेड होता है, मेंटल हैरेसमेंट होता है, बहुत सारी चीजें हैं। जो भी आपको लगता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ, उसके खिलाफ जो है आप लेबर कोर्ट में जो है जाके अपील कर सकते हैं। लेकिन लेबर कोर्ट में जाने से पहले आपको लेबर कमिश्नर ऑफिस में जाना पड़ता है, वहां पे आपको रिटर्न जो है फाइल करना पड़ता है, आपका अब्यूज जो आपने फेस किया है, जो आपको लगता है आपने फेस किया है, और उसके बाद जो है कार्रवाई आगे बढ़ती है। अब अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कैस किस प्रकार से जो है कार्रवाई आगे बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे स्टेप्स टू फाइल अ कंप्लेंट, तो सबसे पहली चीज जो है फाइलिंग अ रिटर्न कंप्लेंट टू अ लेबर कमिश्नर ऑफिस एंड टेकिंग अ रिसीट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेबर कमिश्नर ऑफिस में जाना है, जो कि आपके सिटी में होगा। मैं अगली वीडियो में जो है नंबर ऑफ सिटीज बता दूंगा जहाँ लेबर कमिश्नर ऑफिस लिस्ट डाउन है, तो आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा। तो
तो वहां पे आपको जाना है और उस कमिश्नर ऑफिस में जाके जो है अपना रिटर्न कंप्लेन फाइल करना है। एक प्लेन पेपर में भी आप अपनी रिटर्न कंप्लेन दायर कर सकते हैं, और दायर करने के बाद जो है रिसीविंग लेना मत भूलिएगा, उसकी रिसीविंग आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये तो पहला स्टेप था। जैसे ही आप कंप्लेन फाइल कर देते हैं, आफ्टर योर कंप्लेन हैज बीन फाइल्ड विद असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, उसके बाद लेबर कमिश्नर जो है कंपनी को समन करता है, कंपनी के ऑनर को समन करता है आने के लिए लेबर कमिश्नर ऑफिस में 30 दिन के अंदर, और 30 दिन के अंदर जो है उसको जाना पड़ता है। और उसके बाद जैसे ही ये प्रोसेस हो जाता है, उसकी सेम एक कॉपी आपके पास आती है जिसमें पेशी का जो टाइम है वो मेंशन होता है, पेशी का जो डेट है वो मेंशन होता है, जगह भी मेंशन होती है कि कब पेशी होगी। तो उस दिन आपको पूरी तरह से तैयार रहना है, अपने प्रूफ के साथ तैयार रहना है, और उसी दिन जो है आपका एम्प्लॉयर भी वहां होगा, आपको भी वहां जाना होता है। देन यू विल ऑल्सो हैव टू बी देयर विथ ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रूफ। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने बताया है कि आप प्रूफ के लिए रख लें, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी हैं, ताकि जब आप पेशी के लिए जाएं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। देन लेबर कमिश्नर विल हेयर बोथ द पार्टीज, उसके बाद वो दोनों पार्टीज की बात सुनेगा, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे आप हो, दोनों पार्टीज की वो बात सुनेगा लेबर कमिश्नर। फिर उसके बाद विल ट्राई टू डू नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज करवाएगा दोनों के बीच। नेगोशिएशन की बात होगी, कॉम्प्रोमाइज की बात हो सकती है, दोनों पार्टियों के बीच अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या नेगोशिएशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता है तो उसके बाद जो है, इफ कॉम्प्रोमाइज डज नॉट टेक प्लेस बिटवीन बोथ द पार्टीज, ये मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं बोलूंगा, यहाँ रिकॉन्सिलेशन बोल सकते हैं। रिकॉन्सिलेशन अगर नहीं होता है दोनों पार्टी के बीच विद इन 45 डेज, देन लेबर कमिश्नर ऑफिस वुड ऑटोमेटिकली सेंड योर केस टू लेबर कोर्ट। अगर 45 डेज के अंदर अंदर इस जो आपने केस किया है अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है और वही बात अटकी रहती है, तब उसके बाद जो है आपका केस ऑटोमेटिकली लेबर कमिश्नर ऑफिस जो है लेबर कोर्ट में भेज देता है। तो ये था दोस्तों प्रॉपर प्रोसीजर जो है कि आपको किस प्रकार से लेबर कोर्ट के लिए अप्रोच करना चाहिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा और आप लोगों को जो है इन सब चीज़ों के बारे में बताता रहूंगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।